हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हाफ एडर सर्किट ब्रेड बोर्ड पर डिजाइन करेंगे। हाफ एडर क्या होता है? ये बेसिकली दो 1 बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए जो लॉजिक सर्किट यूज करते हैं, वही हमारा हाफ एडर होता है। ठीक। तो हाफ एडर के लिए जो हमारी आईसी यूज में ली जाती हैं, पहली आईसी हमारी 7486 है, यानी एक जार गेट की, और दूसरी आईसी हमारी है 7408 एंड गेट की। तो इसका अगर आप सर्किट डायग्राम देखेंगे तो एक जार गेट्स के जो हमारे दोनों इनपुट्स हैं वो हमारे एंड गेट्स के इनपुट से कनेक्ट हैं। ठीक। जो हमारा XOR गेट का आउटपुट होगा वो हमारा सम के लिए होगा, और जो हमारा एंड गेट का आउटपुट होगा वो हमारा कैरी के लिए होगा। चलिए हम आईसी लगाते हैं और इसके VCC और ग्राउंडेड कनेक्शंस करते हैं। ये हमारी XOR गेट की आईसी है और ये हमारी एंड गेट की आईसी है। तो सबसे पहले इसके VCC और ग्राउंडेड कनेक्शन करते हैं। अगर आप इसके VCC और ग्राउंडेड कनेक्शन या इसके पिन के बारे में नहीं जानते हैं तो उन वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, XOR गेट्स का और एंड गेट का, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सेवन नंबर पिन हमारी दोनों की ग्राउंडेड हो गई। अब 14 नंबर हमारी VCC से हो जाएगी। ये 14 नंबर पिन हमारी प्लस VCC से हो गई। अब जो हमारा XOR गेट्स का इनपुट होगा वो हमारे एंड गेट के इनपुट में जाएगा। ठीक। तो XOR गेट्स का जो हम पहला वाला है XOR गेट, उसी का यूज कर रहे हैं, और इधर जो एंड गेट है हमारा 1 2 3, ये 1 2 हमारे इनपुट्स हैं, 3 आउटपुट है। तो इस गेट को हम ना यूज करके इसके आगे जो गेट बना है उसको हम यूज करेंगे। ये गेट हमारा खराब हो चुका है, यानी 4 5 इनपुट लेंगे और 6 पे आउटपुट लेंगे। तो 4 5 तो हमारा ए है पिन नंबर 1, ये हमारी 4 पे चली जाएगी। ये पिन नंबर हमारी 4 हो गई। और XOR गेट्स की जो हमारी पिन नंबर 2 होगी, दूसरी पिन, अगले एंड गेट के दूसरी पिन पे जानी है, तो पिन नंबर 5 अगले हमारा एंड गेट है जो। ठीक। ये जो हमारी पिन नंबर 6 होगी इस पर हम कैरी का आउटपुट लेंगे। इधर जो हमारी पिन नंबर 3 होगी उस पर हम सम का आउटपुट लेंगे, यानी हमको 2 LED लगानी पड़ेंगी। तो एक LED हम सम के लिए लगा देंगे। तो सम के लिए हमने यहाँ पर एक LED लगा दी है और एक LED हमने कैरी के लिए लगा दी। अब XOR गेट्स का जो 3 नंबर हमारा आएगा पिन, वो कनेक्ट हो जाएगी इस LED के पॉजिटिव टर्मिनल से। इस LED का पॉजिटिव टर्मिनल हमारा इधर वाला है। और एंड गेट का जो हमारा आउटपुट आएगा, ये जो हमारा 6 नंबर पिन से, ये हमारी 6 नंबर पिन है एंड गेट का आउटपुट, ये इस LED के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। इन दोनों के जो निगेटिव हो तो ग्राउंडेड रहेंगे। और जो हम इनपुट देंगे वो हम XOR गेट्स के दोनों इनपुट से ए और बी इनपुट देंगे। यहाँ पर 2 वायर हम और लगाएंगे अलग से, ये हमारा बी के लिए और ये येलो वाला हमारा ए के लिए। ये हमारे 2 इनपुट्स हो जाएंगे। ये हमारी सम के LED हो जाएगी और ये हमारी कैरी के LED हो जाएगी। तो चलिए बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। अभी हमने कोई इनपुट नहीं दे रखा है इसलिए वो कैरी वाली LED जल रही है। तो सबसे पहले हम सम के लिए 0 0 देकर देखते हैं। देखिए 0 0 का सम क्या होता है? हमारा 0 ही होता है और कैरी भी हमारी 0 रहती है। ये देखिए 0 0 जब दिया हमने तो हमारे सम और कैरी दोनों 0 हैं। अब हम अगर ए को 0 रखते हैं और बी को 1 कर देते हैं, यानी 0 प्लस 1, उसका सम क्या आएगा? 1 आएगा और कैरी हमारी 0 आएगी। 0 और 1, ये देखिए सम हमारा 1 आ रहा है, कैरी हमारी
जीरो आ रही। अब अगर हम ए को 1 रखते हैं, बी को 0 रखते हैं, तो 1 प्लस 0 1 होगा, कैरी हमारी 0 आ जाएगी। बी को 0 रखते हैं और ए को 1 कर देते हैं, ये देखिए तब भी हमारा सम 1 आ रहा, कैरी 0 आ रही। लेकिन अब क्या होगा अगर हम दोनों को 1 1 रख दें, तो 1 1 के केस में क्या होता है, 1 1 में हमारा जो सम होता है वो 0 हो जाता है और कैरी हमारी 1 आती है। ये हमारा 0 है, इसको भी हम 1 कर देंगे। ये देखिए कैरी की लाइट पहले से ही जलने लगी। ए भी 1 बी भी 1, यानी हमारा जो सम है वो 0 आ रहा, कैरी हमारी 1 आ रही है। आई होप आपको हाफ एडर सर्किट समझ में आ गया होगा। ये देखिए इसके कनेक्शंस आप देखना चाहें।